दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इस धरती पर बहुत ही अजीबोगरीब लोग रहते हैं, लेकिन आइए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसी अजीब घटना के बारे में कि जहाँ के लोग गौमूत्र से नहाते हैं। गोबर है हर मर्ज का इनका इलाज, इनका कहना है। दक्षिण सूडान की मुंदारी प्रजाति के आदिवासी गाय और बैलों से अटूट प्यार करते हैं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। गाय की पूजा करना और उनकी देखभाल करना ही इनका एकमात्र काम है। मुंदारी जनजाति के लोग गौमूत्र से नहाते हैं क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, साथ ही त्वचा हल्के नारंगी रंग का हो जाता है, जो कि उनके लिए अच्छा परिणाम साबित होता है। ये लोग इन्फेक्शन से बचने के लिए गाय से सीधा दूध निकालकर अपने आप पी लेते हैं। यहाँ गाय को भगवान की तरह पूजा जाता है। इनका मानना है कि गाय ही इनके जीवन को बचा सकती है, इसलिए ये लोग बाकायदा बंदूक लेकर उसकी रक्षा करते हैं। हर साल करीब 350,000 गाय और बैलों की चोरी होती है और इसके चलते 2500 लोग मारे जाते हैं। यहाँ की महिलाएं गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर बनाई राख को टेलकाम पाउडर की तरह मुंह पर लगाती हैं। गोबर की राख इनके जीवन का आधार है। इसी राख पर ये सोते हैं और बीमारियों से इसी राख से इलाज करते हैं। उन लोगों का मानना है कि सूडान की गर्मी से यह राख ही बचाती है। यहाँ एक गाय या एक बैल की कीमत करीब $500 है। यहाँ पर गाय और बैल को वीर योद्धा और जीवन रक्षक की तरह पूजा जाता है। दोस्तों, आप इस सूडान के लोगों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।